इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम हुकूमत के दौरान स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में 234 करोड़ के स्कैम के सिलसिले में 26 अफराद को नोटिस जारी की है। सीआईडी ने इस मामले की जांच की थी और फिटनेस को बास कंपनियों को मुंतकिल करने की निशानदेही की। ईडी ने जिनको नोटिस जारी किए उनमें इस वक्त के स्पेशल सेक्रेटरी एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लक्ष्मी नारायणा और डायरेक्टर शामिल थे। तेलुगु देशम दौर में 2014 में कॉर्पोरेशन ने सिमेंस कंपनी के साथ मुफाहमत पर दस्तखत किए थे ताकि हाई टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग दी जा सके। सीआईडी ने इल्जाम आयद किया है कि जी सुबा राव के लक्ष्मण नारायणा और दीगर ने खांगी कंपनियों के साथ कवायद की खिलाफवर्जी की और रियासती खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया।